हेलो फ्रेंड्स, भाभी रसोई में आज हम बनाएंगे नारियल, तिल और मखाने का लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम तिल, नारियल, मखाना, चीनी और गोंद ले लेते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें तिल जिसे कि हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, इसे हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। तेल भूनने में 5 से 6 मिनट का समय लगता है। अब ये भून चुका है। अब हम पैन ले लेंगे, इसमें एक नारियल कद्दूकस किया हुआ उसे डाल करके ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पानी वाले नारियल का प्रयोग किया है, आप चाहे तो सूखे नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल को ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं। अब हम मखाना भून लेंगे, इसे भी 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेते हैं। मखाना भूनने के बाद अब हम पैन में घी डाल देंगे, 2 बड़े चम्मच घी डाल लेते हैं। अब हम इसमें गोंद, 100 ग्राम गोंद लिया हुआ है, उसे डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करते समय हम लगातार चलाते रहेंगे। फ्राई करने के बाद इसे हम एक बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं। अब मिक्सी के जार ले लेंगे, उसमें हम जो तिल को ड्राई रोस्ट कर रखा है उसे पीस लेंगे, उसे अच्छा बारीक पीस लेते हैं। पीसने के बाद अब हम उसे एक बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं। अब हम उसी जार में नारियल उसे भी पीस लेंगे। पीसने के बाद हम उसे भी बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं। तिल, मखाने और नारियल से मिलकर बना ये लड्डू स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अब हम मखाने को भी अच्छे से पीस लेते हैं। इसे भी पीसने के बाद बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें चीनी को पीस लेते हैं। अब इसमें 1 कटोरी चीनी उसे डाल करके अच्छे से पीस लेंगे। चीनी पीसने के बाद उसे भी हम उसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम गोंद जिसे हमने फ्राई किया है उसे पीस लेते हैं, उसे भी उसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम इन सभी को एक साथ एक बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इन सभी का लड्डू बनाना है, इसलिए हम इन्हें अलग अलग बर्तन में ना निकाल कर एक साथ एक बर्तन में रख लेते हैं। अब हम 2 बड़े चम्मच घी गरम कर लेंगे। घी गरम करने के बाद इसे हम इन सभी पेस्ट में मिला लेते हैं। घी मिलाने से इसे बाइंडिंग में और अच्छे से मदद मिलती है। अब हम इन सभी को आपस में हाथों से अच्छे से मिला लेते हैं। इन सभी को आपस में अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इन्हें छोटे छोटे लड्डू के आकार में बना लेते हैं। साइज आप अपने मन पसंद के अनुसार बना सकते हैं, जो भी साइज आपको पसंद हो। तो इस तरह से एक एक करके हम बाकी के सारे लड्डुओं को बना लेंगे। इसे बनाने में भी बहुत ही कम समय लगता है, कम समय में बन करके तैयार है हेल्दी एंड टेस्टी लड्डू। आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी, एक बार इसे जरूर ट्राई करें। पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।